नमस्कार आम गणित टू सी अनुशीलनी अंकबूर कर आज आम चार नम्बर अंक बुझी लम इत दिया बगिचार दिख और प्रस्तर अनुपात थ्री इज टू वान और कल दिया वन नाइन्टी टू मिटार स्कुर बगिचा दिख और प्रस्त कि सी से तो चुना आम आगते पाई एने अंक और जदि आम दिख और प्रस्त दिया ना सीतर अनुपात तो दिया है कि ये अनुपात तो चाई पे आम इतर दिख और प्रस्त आम धरी लम है ना तो चुनाव कि लगे सो आम कि लिखी धरा हल आयत तो दिख आम कि लगे आम दिख और प्रस्तर अनुपात दिया आज थ्री इज टू वान तो डाँगर संख्या तो दिखर कारण हम और सर संख्या तो प्रस्तर कारण हम तो ये अनुपात दिया आज तो इतना आम कि धरीम दिख आम धरीम जो अनुपात थ्री दिया लगे थ्री एक्स और एक तुमको दिया मिटार तो मिटार धरीम और प्रस्त हम वान एक्स मिटार है ना तो अनुपात तो चाई पे आम दिखर प्रश्न धरल इतना आम कैसे प्रश्न मते आम कैसे चुनाव प्रश्न तो बगिचा कल दिया वन नाइन्टी टू मिटार स्कुर है ना आम लिखी प्रश्न मते बगिचा क्षेत्रफल मानने कल है वन नाइन्टी टू मिटार स्कुर तो आम कल के ऊलाओ दिख पूरण प्रस्त है ना तो कल मानी दिख पूरण प्रस्त आम दिया वन नाइन्टी टू है ना तो दिख कि आम थ्री एक्स पूरण प्रस्त वन एक्स इकुअल टू वन नाइन्टी टू तो ये पूरण करा तो संख्या पूरण करा तीन एक गुण तीन एक्स पूरण एक्स एक्स पूरण एक्स मैंने कि एक्स स्क्वायर इकुअल टू वन नाइन्टी टू नेक्स्ट आमक एक्सर मान लगे तो फार्ष्ट तीन तो मैं ली जाओ तो एक्स स्क्वायर थको तो वन नाइन्टी टू और तीन तो पूरण हुए ना इपिने आए गल हरण काटिले कि बजा सिक्सटी फोर तो इतना आम कि पालू जो एक्स स्क्वायर माने सिक्सटी फोर है ना तो इतना चुना एक्स स्क्वायर आसे माने एक्सर वर्ग हो सिक्सटी फोर तो कार वर्ग है निकी भाबासुन दूटा संख्या सेम सेम बस्तु पूरण कर दिले आम सिक्सटी फोर पाँ निकी सीट संख्या कि है एट एट स्क्वायर माने सिक्सटी फोर है ना तो एक्स माने कि हम इतना एट है ना तो इतना आम कि पालू एक्स मैंने पालू एट इतना के बगिचा दिख कि हम थ्री एक्स आी पूरण एक्स मैंने कि पासी इतना एट है ना तो आठ तीन गुण चौबीस मिटार और प्रस्त कि हम आम कि धरीसल वान एक्स वान पूरण एट एट तो कब पाल एक्स मानी आम एट बी गम पाई गलो इतना है ना तो हम आठ एक गुण आठ मिटार हो गल तो चुना पाँच नम्बर दिया एजन शिक्षक दुश दस गी छात्र छात्री कारण कलम कि तो छात्रक तो जी कलम दी तार दाम दस टका और छात्री जी कलम दी तार दाम बारह टका तो बहुत बिल्कुल कलम कगा तो मुठ खरचे देवहतर बैश आशी टका ठीक है तेहले सी आम छात्र कि छात्री कि तो चुना ये फार्ष्ट तुम्हें बुझी ला एट अंक जो पाँच जन मानु आज पाँचक मानने दस टक दी ठीक है और धरा बीस जन मानु आसक पाँच टक दी तो मुठ पैसा कि खरच हम चुना पाँच जन मानु दस टक मुठ कि टका हो गल पंचाश टका जो बीस जन मानु आँच टक दी तो बीस पाँच गुण मुठते कि टका खरच हल एश टका तो मुठ टका खरच हल कि पंचाश जो एश कि वन फिफ्टी है ना तो इतना आम एक एने प्रश्न दी जास्ट कैसे जे तहते दस टक दी और बारह टक दी और मुठ पैसा खरच से बैश आशी टका इतना आम गम नपाओ किनक दी और इतने किनक दी तो छात्र आम धरी लम और छात्री आम धरी लो लगे है ना तो इतना कथा तो कि आम छात्र कि धरीम और छात्री किमानगे धरीम तो चुना आम दिया मुठ कि संख्या
দুশ দশগৰাকী, হয় নহয়? আমি যদি একজন ধৰোঁ ছাত্ৰ, তো ছাত্ৰী কিমান ধৰিব লাগিব? মই যোৱাকালি কৈছিলোঁ দুশ দহৰ পৰা এক্সটো বিয়োগ কৰিব লাগে, সেইটো হৈছে দুশ দহ মাইনাছ এক্স। তো ছাত্ৰ হৈ গ'ল এক্স, ছাত্ৰী হৈ গ'ল দুশ দহ মাইনাছ এক্স। তো এই একজন ছাত্ৰক তেখেতে দহ টকাকৈ দিছে কলম, হয়নে? আৰু ছাত্ৰীবোৰক দিছে তোমাক বাৰ টকাকৈ দিছে। তো কিমান হ'ব? এইখিনি পইচা যোগ এইখিনি পইচা সমান কিমান হৈছে? বাইছশ আশী টকা। সমাধান আমাক দিয়া আছে মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান দিয়া আছে আমাক? দুশ দহগৰাকী, হয় নহয়? দুশ দহজন। এতিয়া আমি ধৰিব লাগিব ধৰক ছাত্ৰ আছে একজন, তো ছাত্ৰী কিমান হ'ব? মুঠৰ পৰা এক্স বিয়োগ কৰিব লাগে, তাৰমানে দুশ দহ মাইনাছ একজনী ছাত্ৰী আছে। এতিয়া আমাক প্ৰশ্নমতে কি হৈছে? প্ৰশ্নমতে এতিয়া একজন ছাত্ৰক তেওঁ দহ টকাকৈ দিছে, হয়নে? যোগ ছাত্ৰী দুশ দহ মাইনাছ এক্স, এইটো হৈছে ছাত্ৰী। ছাত্ৰীক দিছে তেখেতে বাৰ টকাকৈ দিছে, তো মোৰ পইচা কিমান খৰচ হৈছে? টু টু এইট জিৰ'। এইটো হৈ গ'ল সমীকৰণ এক্স পূৰণ দহ, দহ এক্স যোগ দুশ দহ পূৰণ বাৰ, টু ফাইভ টু জিৰ', হয় নহয়? তাত মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ এক্স পূৰণ বাৰ, বাৰ এক্স ইকুৱেল টু 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 এইট জিৰ', হয় নহয়? এতিয়া এক্সবোৰ একলগ কৰা, সংখ্যাবোৰ একলগ কৰা, দহ এক্স মাইনাছ বাৰ এক্স, ইয়াক সফালে লৈ যোৱা, কি হ'ব? টু টু এইট জিৰ' মাইনাছ টু ফাইভ টু জিৰ', হয় নহয়? তো দহ এক্স মাইনাছ বাৰ এক্স কিমান হ'ব কোৱা? মাইনাছ টু এক্স। আৰু টু ফাইভ টু জিৰ'ৰ পৰা আমি যদি টু টু এইট জিৰ' বিয়োগ কৰি দিওঁ, আমি কি পাম কোৱাচোন? মাইনাছ টু ফ'ৰ জিৰ'। মাইনাছ কৈ লিখিছোঁ কাৰণ ডাঙৰ লগত কি চিন আছে? মাইনাছ চিন আছে, সেইকাৰণে, হয় নহয়? তো এতিয়া চোৱা মাইনাছ মাইনাছ কেঞ্চেল হৈ গ'ল। তো এক্স মানে কি হ'ব এতিয়া? দুইটো কি হৈ আছে? পূৰণ হৈ আছে, ইপিনে আহিলে হৈ যাব হৰণ, টু ফৰ্টি। তো এক্স ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ব? ইয়াক কাটিলে হ'ব এশ বিছ, ওৱান টু জিৰ'। তাৰমানে আমি কি পালোঁ যে এক্স মানে পালোঁ এশ বিছ, আৰু এক্স মানে আমি কি ধৰিছিলোঁ? আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান হ'ব এতিয়া? দুশ দহ, মুঠৰ পৰা বিয়োগ কৰিব লাগিব ছাত্ৰখিনি, হয়নে? দুশ বিছজনী হ'ব নব্বৈ, এইটো হ'ল উত্তৰ।